सारा मांझी पागल हो पतवार बदल कर क्या होगा, व्यवहार बदलना है ही नहीं सरकार बदल कर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आजकल सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेट पर ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे आम जनता का कोई सरोकार नहीं, आम पब्लिक का कोई लेना देना नहीं, और बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट होती है, अर्थ के अनर्थ निकाले जाते हैं, चार डिबेट पे बैठ जाते हैं और पैनलिस्ट, और उस पर जो डिबेट होता है, और ऐसा ही डिबेट आजकल सोशल मीडिया पर, टीवी पे दिखाई दे रहा है कि पटना में प्रधानमंत्री जी के स्वागत समारोह में तेजस्वी यादव 4 मिनट के भाषण में 6 बार अटके। अब सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। कई बार हमने देखा है बहन मायावती जी भी लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं और उसके ऊपर भी लोग आलोचना करते हैं। तेजस्वी यादव के लिखित भाषण पर आलोचना हो रही है, लेकिन मूल प्रश्न यह है, 4 मिनट के भाषण में 1 मिनट तक तेजस्वी यादव फर्राटेदार, जो प्रधानमंत्री जी की प्रोटोकॉल में बोलना चाहिए वो बोलते रहे। हो सकता है अचानक उनके हाथ में वो पर्ची थमा दी गई, लिखित भाषण, आपको फला फला चीज की मांग रखनी है, जो कि तेजस्वी यादव को पता भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है लिखने वाले ने अपने स्टाइल में लिखा और उन शब्दों को समझकर सही उच्चारण करके प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के तमाम आला लश्कर के सामने बोलना था, एक कठिन कार्य था। भाषण एक अलग होता है, जो अपनी टोन में लोग भाषण देता है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति से ये कह दिया जाए कि ये एक पेज देता हूँ उसका पढ़कर आप भाषण दीजिए, तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि वह टीचर के आगे एक स्टूडेंट्स निबंध पढ़ रहा हो। ऐसा ही होता है, बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही होती है। बहन मायावती जी अक्सर लिखित भाषण देती रही, उसका मूल कारण कई था, एक नहीं। पहले तो उन्होंने अपने स्पष्ट किया था कि मेरे गले में खराबी है और जो ENT स्पेशलिस्ट ने कह दिया है कि आप जोर लगाकर बात नहीं करेंगे, तो लिखित भाषण वो पढ़ती हैं। दूसरा कारण यह भी है कि बहुत सारे लोग भाषण में मीन मेख निकालते हैं, अर्थ के अनर्थ कर देते हैं, और आजकल भाषण के शब्दों पर डिबेट होता है। तो यह भी एक कारण है कि बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी भी हमेशा लिखित भाषण पढ़ती आई है, बोलती आई है, ये उनकी समस्या रही है। और अचानक तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री जी की प्रोटोकॉल में जितना शब्द बोलना था फर्राटेदार जब बोलते रहे, जब कर्पूरी ठाकुर की आदमकद प्रतिमा, बड़ा प्रतिमा लगाने की बात आई और डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटी की बात आई, बहुत सारे ऐसे ऐसे कठिन शब्द थे जो उनको लिखित में दे दिया गया था 10 मिनट पहले, और उनको बोलना था, सही उच्चारण के साथ बोलना था, ताकि ऐसा ना कह दे भाजपा की कार्यकर्ता और भाजपा गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी के आला लश्कर कि आपने ये मांग तो रखी ही नहीं, आपके शब्द हमें समझ में ही नहीं आए। उन शब्दों को समझ कर पढ़ना था और बोलना था, और जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव जी अटक रहे थे, कई बार अटके, समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये शब्द क्या लिखा हुआ है। और इसी को मुद्दा बनाया गया, सोशल मीडिया पर टीवी डिबेट चल रहा है कि तेजस्वी यादव अशिक्षित है। तो प्रश्न यहां पर यह भी उठता है, डिबेट में यह आया है शब्द कि 9th क्लास तक DPS स्कूल का सर्टिफिकेट उनके पास है ही, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो 5वीं क्लास तक का भी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, ऐसा लोग बोलते हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि अगर वो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, तो CBI या पूरा का पूरा भारत सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पीछे क्यों लग जाते हैं कि आपने बड़ी चालाकी की। चालाक व्यक्ति ना समझ नहीं हो सकता, अशिक्षित नहीं हो सकता, और अशिक्षित व्यक्ति जिसको कुछ नहीं ज्ञान हो वो चालाक कैसे हो सकता है। ये दो शब्द के बीच में पूरी राजनीति घूम रही है, कभी उन्हें चालाक कहा जाता है,
काफी स्मार्ट कहा जाता है, और कभी ये कहा जाता है ये अशिक्षित है, इनके घर में शिक्षा का घोर अभाव है, इनको पढ़ना नहीं आया, 4 मिनट के भाषण में 6 बार अटके हैं, बिहार की बदनामी हुई, बिहार के प्रतिष्ठा का प्रश्न था, ये भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है। रही बात ये, जब भी लिखित भाषण होता है, अचानक कोई टॉपिक आती है तो कोई भी व्यक्ति अटक सकता है, रुक सकता है। इसमें जितने भी न्यूज एंकर हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज हैं, जो ये काम करते हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि तेजस्वी यादव जी के लिए ये नेचुरल था कि अचानक उनके सामने एक पर्ची आई, कहा गया कि ये लिखित भाषण आपको बोलना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से इससे मांग रखनी है, और वो अटक गए। ये नेचुरल था, इसमें शिक्षा का कोई लेना देना नहीं, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी अगर आप दे देते हैं अचानक कोई पर्ची, वो अटकता नज़र आ जाएगा। तो इस तरह के डिबेट चल रहे हैं देश में। बाकी समस्याओं के ऊपर कोई डिबेट नहीं है, कोई मीडिया हाउस उस तरह का डिबेट नहीं दिखा रही है, चाहे उसमें युवा हो, रोजगार के मामले हो, महंगाई के मुद्दे हो, बाढ़ दिखाई जा रही है, कहां कहां मामला जो है खराब है, कहां कहां जो है डूबा हुआ है, ये सब दिखाया जा रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।